नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएसएन इंडिया। रालोद की सदस्यता अभियान एवं निकाय चुनाव समीक्षा की बैठक संपन्न हुई। आज स्थानीय नहर निरीक्षण भवन के रालोद की एक अहम बैठक प्रातः 11 बजे से आयोजित हुई। बैठक के मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष माननीय मनजीत सिंह का काफिले के साथ लखनऊ चुंगी पर भव्य स्वागत किया गया। बैठक के शुभारंभ में बोलते ही प्रदेश अध्यक्ष माननीय मनजीत सिंह ने सदस्यता अभियान के तहत 2 करोड़ सदस्य बनाने के लक्ष्य को हासिल करने एवं युवाओं, दलितों, वंचितों को पार्टी से जोड़ने के निर्देश दिए। इसी क्रम में रालोद अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय महासचिव श्री आरिफ महमूद जी बोलते हुए अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अधिक से अधिक संख्या में रालोद से जुड़ने का आह्वान किया। रालोद नेता अख्तर अली ने बैठक में बोलते हुए सभी से चौधरी चरण सिंह के समय वाले लोक दल को वापस लाने का आह्वान किया गया। इसके बाद अवध प्रांत के सदस्यता प्रभारी राकेश सिंह चौहान ने सदस्यता अभियान को समय को पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रांतीय नेता आदित्य विक्रम सिंह जी ने प्रांतीय नेताओं का स्वागत करते हुए सदस्यता अभियान के लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए। जिला कार्यकारिणी को बैठक में विशिष्ट अतिथि के रूप में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष राज बहादुर सिंह यादव, उपाध्यक्ष सरदार प्रगट सिंह ने भी अपनी ताकत से रालोद को मजबूत करने का आशीर्वाद दिया। बैठक में मुख्य रूप से बरेली के महानगर अध्यक्ष विजय बहादुर सक्सेना, जिला संयोजक बरेली कमलजीत सिंह जी, बरेली सैनिक प्रकोट जिला अध्यक्ष कुलदीप सिंह पवार, फरुखाबाद जिला अध्यक्ष राम निवास साक्य, सीतापुर जिला अध्यक्ष आर पी सिंह चौहान एवं रालोद हरदोई के नगर अध्यक्ष रोहित सिसोदिया, महासचिव गंगाराम भारती, जिला उपाध्यक्ष सरदार बहादुर सिंह, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष जावेद खान, गोपाल सिंह ब्लॉक अध्यक्ष सांडी, राजेश सिंह ब्लॉक अध्यक्ष शाहबाद, धनंजय सिंह शाहबाद विधानसभा प्रभारी, युवा रालोद के महंत सिंह सहित लगभग 150 पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रालोद जिला अध्यक्ष महेश कुमार सिंह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए हरदोई जनपद में कम से कम 20,000 सदस्य बनाए जाने का आश्वासन प्रांतीय अध्यक्ष को दिया। बैठक का संचालन करते हुए जिला अध्यक्ष महेश कुमार सिंह ने बैठक को समापन की घोषणा की और सभी को धन्यवाद दिया। रिपोर्ट एमएसएन इंडिया हरदोई।